तोहफा होगा ऐसा बताना चाहता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू मैडम। श्री सप्तगिरी उल्का जी। थैंक यू चेयरमैन मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022। At the outset, ma'am, we support the bill and we welcome the government to take these necessary steps. लेकिन मैडम आपके जरिए से मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ कि जैसे गोंड, हम तो जानते हैं गोंड आदिवासी ही हैं, हर जगह हैं, लेकिन कुछ जिले में छूट गए। इसी तरह से आप देखोगे तो फिर कई जगह देश की हर जगह में ऐसी समस्या है। जैसे झोड़िया काशीपुर में आदिवासी नहीं है, कलांडी में आदिवासी है, दुर्वा अपने कोरापुट मालकानगिर में आदिवासी नहीं, बगल में छत्तीसगढ़ में आदिवासी है, अपना जो दोरा आंध्रा में आदिवासी, अरुकू बगल में आदिवासी है लेकिन ओडिशा में आदिवासी नहीं है। तो जब मंत्री जी ये बिल लाते हैं, ये किस परिभाषा पे, किस डेफिनेशन में लेके आते हैं? क्या चुनाव एक क्राइटेरिया है जिसके लिए आप कुछ जातियों को आदिवासी करोगे? हाँ, मैं वो भी बोलता हूं जो आदरणीय एक साथी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं किया है, सब 2014 से मोदी सरकार ही करती आ रही है। मैं गिना रहा हूं आपको, द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA कांग्रेस ने लाई, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपरेशन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट बिल कांग्रेस लाई, पैसा कांग्रेस लाई, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर शेड्यूल 5 कांग्रेस लाई। ये सरकार क्या कर रही है? जो जमीन है अपनी उद्योगपति को दे रहे हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने एक क्लियरेंस दे दिया कि सारट दे दो। FRA का मैडम 2019 में 5 लाख परिवार जो आदिवासी परिवार है उनको एविक्शन का नोटिस है सुप्रीम कोर्ट। ये सरकार डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। आरक्षण जो सरकारी ऑफिस में है, ये सरकार डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और धर्मांतरण का बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूं आदिवासी पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। लेकिन अब कोई आदिवासी अगर क्रिश्चियन बन गया उस पर अटैक हो रही है यहां पे धीरे धीरे करके। एंड आदरणीय राजेंद्र गावित जी ने उन्हें सुझाव दिया कि कुछ कुछ जाति को एक्सक्लूड करो। सर सुझाव मत दीजिए, ये आरक्षण वैसे ही खत्म करने वाले हैं। जमीन जितना है सब उद्योगपति को दे रहे हैं। शिक्षा में अपने बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, केंद्र सरकार 20 करोड़ का ग्रांट देती है लेकिन लोकल स्कूल को बंद किया जा रहा है। हमारी संस्कृति हमारी कल्चर धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। जो क्राइम है आप देखोगे आदिवासी अगेंस्ट में जो क्राइम है, ये जो गोंड परिवार है सोनभद्रा कौन भूलेगा, जो मसैकर हुआ 10 आदिवासियों को मार दिया गया वहां पे, कलिंगा नगर में 10 आदिवासी जो अनगिन आदिवासी, माइकंज में आदिवासी, हर जगह जहां पे माइनिंग होता है, जहां कारखाना होता है, जहां बड़े प्रोजेक्ट होते हैं मारे जाते हैं खाली आदिवासी। और ये बढ़ते जा रहा है इस मोदी सरकार के 7 साल के। और बोलते कांग्रेस ने क्या किया, हम अधिकार देते आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि कैसे ये आदिवासियों को। लेकिन इस सरकार 7 साल में क्या बिल लाए, खाली कुछ इलेक्शन के टाइम में किसी को आदिवासी बनाने का। ऐसे बिल लाओ मैडम जिससे कि हम लोग की उन्नति हो। खाली रिजर्वेशन काफी नहीं है, जंगल जमीन पानी सब हमारा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सब अपने हाथ से जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन, आप अगर प्राइवेटाइज करोगे तो एक तो नौकरी नहीं, आरक्षण क्या करेंगे हम लेके, रिजर्वेशन खत्म हो गया, प्राइवेटाइज करो, हर PSC को बेच रहे हो धीरे धीरे। इनकम मैं जानता हूं क्या है, कैसे हम रिजर्वेशन तो ऐसे खत्म नहीं कर पाएंगे, चुनाव आएगा तो इस रिजर्वेशन में जो सुविधा मिलता है उस सब चीज को खत्म कर दो। मैडम ये बहुत ही गंभीर मामला है, मैं आपके माध्यम से वही बोलना चाहता हूं कि हमें कुछ करना चाहिए जिससे कि हम आदिवासी समाज का उद्धार हो। पिछली बार भी हमने बताया था, एक भी आदिवासी उद्योगपति नहीं देखोगे, एक बिजनेसमैन नहीं देखोगे, कॉन्ट्रैक्टर नहीं देखोगे। कानून ही ऐसे, पैसे ही नहीं है, जमीन है मेरे पास लेकिन हमें लोन नहीं मिलता, बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। कितना बोलेंगे हम, कहां बोलेंगे, हमारी उन्नति कैसे होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। आदरणीय मंत्री जी अनुरोध करता हूं, ये खाली इंक्लूजन एक्सक्लूजन बिल मत लाओ, अब ये बिल लाओ कि हम आदिवासी लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। रिजर्वेशन काफी नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। एंड ये सदन को मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी उन्नति के लिए आप लोग ठोस कदम उठाओ, जो बिल लाओ चर्चा करते हैं, एक आप एक दिन का आलोचना बुलाओ, सारे आदिवासी सांसद बोलेंगे हम यहां पे क्या समस्या क्या नहीं है। हर जगह में अलग समस्या है, 10 करोड़ आदिवासी है लेकिन एक आदिवासी दूसरा आदिवासी सब इनका कल्चर डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट, सब डिफरेंट है, कैसे समस्या का हल करोगे आप? तो आपके माध्यम से इस बिल को तो समर्थन करते ही हैं, लेकिन मैं मंत्री जी को प्रधानमंत्री जी को बोलता हूं कि हम आदिवासी हमें सोचो, कुछ ऐसा बिल लाओ जिसे हमें उधार है, हमें भीख नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि अपना अधिकार है, हमारे हाथ से सब जा रहा है, जंगल जमीन पानी सब जा रहा है, इसके आप क्या करोगे, कैसे हम लोग को सेफ्टी दे सकते हो, इसके आप
सोच के एक अच्छा कुछ कदम उठाएंगे, यही आशा है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। श्री गुमान सिंह जी डामोर।